so that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion. चलिए हमें ये दिखाना है कि अगर कोई सिंगल पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, पूरी जर्नी में, पूरी मोशन में उसका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। चलिए मान लो यहां पे मैं एक्सिस ड्रॉ कर लू। चलिए ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली। चलिए वाई एक्सिस है और नीचे वाली एक्स एक्सिस है। चलिए मान लो कोई पार्टिकल है, चूंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैं मान लू ये पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है। चलिए मुझे ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। चलिए तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि यहां पे ओरिजिन है। चलो ये भी ठीक है, हमारा पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है, इसका मोमेंटम यहां पे मान लो पी है। चलो ये भी ठीक है, मान लो ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, मैं तीनों पॉइंट में एंगुलर मोमेंटम, तीनों पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा। चलिए ये पहला पॉइंट, मान लो यहां तक का पोजीशन वेक्टर है आर वन, और ये पोजीशन वेक्टर को अगर मैं थोड़ा आगे खींच लू तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा, मुझे थीटा वन मान लो। चलिए दोनों के बीच का एंगल थीटा वन है। अब यहां पे देखो तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपको याद है, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। वैसे तो मैं ये भी लिख सकता हूं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो, अगर मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं ये भी लिख सकता हूं आर पी साइन थीटा। वैसे यहां थीटा क्या होगा, थीटा होगा आर वेक्टर और पी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पी आर साइन थीटा। चलिए देखो तो यहां पे अब ये आर है, आर वन है, अगर यहां एंगल थीटा वन है तो क्या यहां भी थीटा वन ही हो जाएगा। चलिए भी बात सही है, अगर ये R1 है, यहां पे एंगल थीटा 1 है, तो क्या इसकी अपोजिट साइड R1 वन साइन थीटा हो जाएगी। जी पक्का, ये तो R1 वन साइन थीटा ही हो जाएगी। चलिए देखिए, अगर ये R1 है, जैसे मान लो ये R1 है, देख लो भाई यहां पे ये R1 है, यहां पे एंगल थीटा 1 है, तो इसकी सामने वाली मतलब ये साइड, हाँ ये साइड भाई हो जाएगी R1 वन साइन थीटा, क्योंकि ये इसकी एंगल की अपोजिट बन जाएगी। तो चलिए मैं यहां लिख लेता हूं R1 वन साइन थीटा 1। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें, मान लो दूसरे पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर ये रहा, मान लो यहां तक का पोजीशन वेक्टर है R2 और यहां पे एंगल मान लो बन रहा है थीटा 2। अब आप जरा वापस ध्यान से देखो तो ये R2 है, यहां एंगल थीटा 2 है, तो ये अगर R2 है, यहां एंगल थीटा 2 है, तो यहां हो जाएगा R2 साइन थीटा 2। चलिए बिल्कुल इसी लाइन को मैं R2 साइन थीटा 2 भी कह सकता हूं। तीसरी बात, मान लो मैं अगर तीसरा पॉइंट यहां पे है, वहां पे मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो क्या मैं यहां तीसरा पोजिशन वेक्टर खींच लू। चलिए मैंने तीसरा पोजीशन वेक्टर खींच लिया, मान लो ये R3 है, यहां एंगल बन रहा है थीटा 3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वापस वही ट्राइंगल की बात हो रही है, यही ट्राइंगल की बात हो रही है, अगर यहां पे एंगल थीटा 3 है तो क्या ये वापस मैं R3 थ्री साइन थीटा 3 लिख सकता हूं। चलिए मैं वापस लिख लेता हूं यहां R3 थ्री साइन थीटा 3। अगर आप ध्यान से देखो तो हर बार तीनों केस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही आया है, जैसे जैसे अपना आर बढ़ रहा है थीटा कम हो रहा है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही आ रहा है साइन कंपोनेंट। आप वापस ध्यान से देखो, पहले यहां आर छोटा था लेकिन एंगल बड़ा था, फिर आर थोड़ा बड़ा हो गया एंगल छोटा हो गया, फिर आर उससे भी बड़ा हो गया एंगल और छोटा हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो R जैसे जैसे बढ़ रहा है थीटा वैसे वैसे कम हो रहा है, लेकिन हर बार
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम ही आ रहा है। देखो यही डिस्टेंस आ रहा था हर बार, पहले केस में आया आर वन साइन थीटा वन, दूसरे केस में आया आर टू साइन थीटा टू, तीसरे केस में आया आर थ्री साइन थीटा थ्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर सिंगल पार्टिकल ऐसे जा रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो ये आर साइन थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, और अगर ये कॉन्स्टेंट रह रहा है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारा मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा? डिरेक्शन तो हर बार राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर लेंगे, वही की वही रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं, लेकिन यहां तो मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट रहेगा। थैंक यू।